एक समय की बात है, भगवान बैठे हुए गोपियों ने कहा कृष्ण आप महाराज कब करेंगे? बोले समय आने पर। समय आया है वसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान ने योग माया को इशारा दिया। योग माया ने यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाई है, उस जगह को देख करके भगवान ने होठों पे बंसी रखी और बजाना प्रारंभ कर दिया। दादा ऐसी मुरली की ध्वनि सखियों को पागल कर रही। कोई अगर खाना बना रही तो खाना बंद करके बैठी गई। गैया को भूसा देवे को जा रही तो गैया को भूसा पति के पास में, पति को खाना गैया के पास, ठीक उल्टा हो गया। ऐसी मुरली की ध्वनि पागल कर रही। सखियां छोड़ छाड़ के वहां से भागी, यमुना के किनारे खड़ी वही और एक बात कही आली। मेरे उठे पिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सखियां भागी हैं। रात्रि में जब कृष्ण के पास पहुंची तो
तो जवाब दियो। कृष्ण ने एक बात बताई है गोपियों, अपने अपने पति को छोड़ के रात्रि में यहाँ क्या लेने आई है। सखियां बोली अजीब बात है, पहले आप काऊ को निमंत्रण करो, फिर वो निमंत्रण खाए वे गले आपके घर पे पहुंच जाए, फिर वासे जब पूछो का लेना आयो। आप ही तो बंसी बजा के बुला रहे हैं और हमसे पूछ रहे क्या लेने आई हो अपने अपने पति को छोड़ के। तो माधव हमारे सवाल का जवाब दीजिए। बोले क्या सवाल है? सवाल ये है कि एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए, एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए, वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे, और जब वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो तो उसका असली पति विदेश से आकर के कुंडी को खटखटा दे। आप ये बताइए गोविंद, वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो नकली मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे? तो भगवान बोले ये कोई बड़ी बात है, जो असली है उसके लिए दरवाजे खोले, मिट्टी के पति की जरूरत क्या है जब असली आ गया। गोपियां बोली हैं कृष्ण आपके सामने संसार के पिता पति पुत्र सब नकली हैं, आप ही एक असली हो, तो हमारे पति तो छोड़ो, हमारे पति ने क्यों पति आप ही हो, आप जगत पति और जगत पिता हो। महाराज कीजिए। अरे भगवान बोले फिर आप पतिव्रता नहीं हो। सखियां बोली आप जानते पतिव्रता क्या होती? भगवान बोले एक नहीं सौ उदाहरण दूंगा, मैं जानता हूं अच्छे से पतिव्रता क्या होती है। बोले क्या? अरे तुम बोल रही हो कि असली आप नकली पति की पूजा करनी है, मैं तुम्हें बोलता हूं कि गरीब सा व्यक्ति और वो रोज सुबह हवन करने के बाद लकड़ियां बेचने जाता था, उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, पति का इतना ख्याल रखती, खाना खिलाने के बाद ही खुद खाती, जो अगर पति मुंह से बोल दे सपने में भी पराई पति से स्नेह नहीं रखती। तो आप ये बताइए इतनी पतिव्रता औरत उसका पति लकड़ियां काट के घर वापस आया, छोटा सा बच्चा था घर में, हवन करके गया था, हवन की जो लौ थी लपट थी वो जो ज्वाला थी वो बड़ी भयंकर जल रही थी, अचानक वो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी, पति आया, उसने आकर के बाजार से अपने सिर को पत्नी के घुटने पर रख लिया और सो गया। बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ा और आकर के सामने हवन कुंड जल रहा था, सीधा वो विचार कर रही है कि ऐसा ना हो मेरा बच्चा हवन कुंड में गिर जाए, और तब तक तो दादा नेत्र बंद करके अग्नि पुरुष भगवान से कह रही थी तब तक बच्चा अग्नि में जा गिरा। उसने नेत्र बंद किए और जवाब दिया हे अग्निदेव, अगर मैंने सच्चे मन से सच्चे धर्म से पति की सेवा की है तो मेरे बच्चे पर आज आंच नहीं आनी चाहिए। 3 घंटे बाद जब पति के नेत्र खुले तो उसे लगा कि अब तो बच्चा जल चुका होगा। जैसे ही हवन कुंड के पास पहुंची दादा, उन लपटों में वो उस पतिव्रता का बेटा खेल रहा था, झपट के छाती से लगाए लियो और एक पुरुष भगवान को वो अग्निदेव को जवाब दे रही है कि हे महाराज आपने मेरे बालक को आज बचा लिया, मैं बार बार आपकी शरण लेती हूँ, बार बार दुआएं देती हूँ, बात विनती की प्रार्थना की। तो भगवान बोलते हैं कि ये समझ लो जो अग्नि से अपने बच्चे को बचा सकती है, जो अपने पति की नींद को नहीं खोल सकती चले चाहे बच्चे को कुछ भी हो जाए, तो ऐसी स्त्रियों को पतिव्रता कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, ये होती है पतिव्रताएं। यहाँ बहुत देर तक प्रसंग चला, सत्संग चला सखियों में और भगवान में। रात्रि का समय, महाराज रात्रि के समय मैया पार्वती चले हैं, सज धज के महाराज देखवे के लाए जा रही। तो बाबा ने जवाब दियो कहाँ जा रही हो? जवाब दिया नाथ कृष्ण गोपियों के साथ में महाराज कर रहे हैं, वहां जा रही हूँ। बाबा बोले जब आप जा रही हो तो हमें भी ले चलो। बोले नहीं महाराज, वहां देवियां ही देवियां दिखाई देती हैं, देवता को कोई काम नहीं है। बोले अरे देवी
आप हमें देवी बना दो, साड़ी पहना दो, लेकिन लेके चलो। बोले अजीब बात करते इतने लंबे चौड़े, जूड़ा बंदो सर्प बिच्छू कांतर शरीर पे भस्म रमी, आप कैसे जाएंगे? बोले कुछ भी करो, हमें लेके चलिए। जब जिद कर गए बाबा तो हुआ ऐसा, अरे गोरा संग बोले खजाना, हाँ गोरा संग बोले खजाना, हाय राम बोला बने जनाना, हाय राम बोला बने जनाना। समझाए रही मान जाओ, लेकिन कहां माने। वो कहते ना प्रभु के नाम पे जो जिद की जाए वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि इतने इतना प्रेम भी बाबा का और कृष्ण का था बचपन से, और अब तक कृष्ण के प्रेम ही रहे बाबा। और एक बड़ा प्यारा उदाहरण बता दें आपको, दादा एक कसाई था सदन नाम का। उस सदन नाम का कसाई शालिग्राम की प्रतिमा लेकर के रोज एक तरफ तराजू में शालिग्राम की प्रतिमा और एक तरफ मांस रखता था। तो साधु जी निकले एक दिन, साधु जी की निगाह पड़ी, जब निगाह पड़ी तो जवाब दिया, ओरे बाब रे कपागल है गयो, अरे साक्षात ब्रह्म ही ये शालिग्राम जी की प्रतिमा लेकर के तू एक तरफ मांस रख रहा है और एक तरफ प्रभु की मूर्ति, ये क्या कर रहा है? जन्म में तो कसाई है, अगले जन्म में क्या होना चाहता है? जब ये कहा तो उसी समय वो उठाई शालिग्राम की मूर्ति और संत जी लेके मंदिर पे पहुंचे, पंचामृत से स्नान करायो, तुलसी दही दूध गंगा जल सब इकट्ठा किया स्नान ध्यान करके, और उसके बाद भोग लगा दिया, बिठा दिया मंदिर में। और बिठाए के बाद जब शाम को भोजन कराए के लेटे हैं संत जी, तो भगवान ने रात्रि में सपना दिया, अरे संत जी आप तो बड़े खराब हैं। बोले क्यों? बोले वो कितना अच्छा था सदन कसाई, मुझे रोज झूला झुलाता था, अरे आपने तो आए गए हमें अलवारी में बिठा दो, जो काय काम को है ये पूजा पाठ हमें अच्छो ना लगो, हमें वापस छोड़ के आओ, हमें वो सदन कसाई रोज तराजू में झूला झुलाता था, हमें तो वही अच्छा लगता है।
सुबह सुबह सदन कसाई के पास सालिग्राम जी को लेके पहुंचे। बोले ये ले, ये तेरे प्रभु हम पे राजी ना है तो पे ही राजी है, अब तू इन्हें जैसे रखना चाहता है वैसे रख ले। मेरे बंधुओं दिमाग में झटका लगा सदन कसाई के कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ तब भी हम पर प्रसन्न है, मैं सब काम छोड़ के आप पहले इनके दर्शन करने जाऊंगा। दर्शन करने के लिए जब चले तो चलते जा रहे हैं, दो तीन दिन हो गए। एक रात रुके एक जगह जिस घर में एक पति पत्नी रहते थे, तो सदन कसाई दिखने में बहुत सुंदर था। उसने क्या किया, वो जो पति पत्नी रहते थे उन्हीं के घर में रुक गया। 8-9 बजे का टाइम, भोजन पानी किया। रात्रि के 12 बजे उस घर की पत्नी औरत थी वो आई। उसने सदन कसाई से कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। बोले भगवान के दर्शन करने। बोले आप पे मैं बड़ी मोहित हूँ, आप हमसे विवाह कर ले। सदन कसाई बोला आपका दिमाग तो ठीक है, तू मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, लेकिन तू मेरी पत्नी नहीं हो सकती। बोले ऐसी बात है, जवाब दिया हाँ। तो बोली हमें लगता आप मेरे पति से डरते। तलवार उठाई और पति का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर पहुंची। बोले अब तो मैंने पति को भी मार दिया, अब एक काम करिए। बोले क्या, अब आप एक काम करें, विवाह कर लें। सदन बोले तू अपने पूरे परिवार को मार दे तब भी मैं तेरे साथ में विवाह नहीं कर सकता। अब त्रिया चरित्र बड़ा अजीब होता है। उसने क्या किया, सुबह ही सुबह राजा के दरबार में पहुंची और जाए के जवाब दो, महाराज ये सदन मेरे यहाँ रात्रि भर रुक गया, इसको मैंने बड़ा मना किया, इसने मुझे परेशान किया, मुझे पति ने मुझे रोका, इसको रोका, तो ये समझ लो इसने मेरे पति को मार दिया। राजा ने कहा सदन कसाई को बुलाइए। दोनों हाथ कटवा दिए गए। बोले नहीं, हाथों से तूने इसके पति को मारा था। जब दोनों हाथ कटवा दिए, सदन प्रसन्न है कि बोले जब तुम्हारी इच्छा ही है, दर्शन करने के लिए आ रहे थे, आपकी इच्छा ऐसी है तो कोई बात नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। भैया कहते हैं कि जैसे ही चला वहां से दर्शन करने के लिए, परमात्मा ने पार्षदों के द्वारा उठवा लिया। जब मंदिर के सामने पहुंचा तो ऐसी इच्छा हुई अंदर से कि हम प्रभु के हाथ जोड़ के दर्शन करें, हाथ जोड़ के प्रणाम करें। अब हाथ है नहीं, भगवान ने कहा अब इसकी ज्यादा इच्छा है। प्रभु ने दोनों हाथ वापस कर दिए। जब दोनों हाथ वापस हुए तो सदन मुस्कराए के बोले जब तुम्हें हाथ वापस ही देने थे तो कटवाई काहे को। भगवान बोले ओरे बाबा रे, वो तो तेरी बहुत अच्छा नसीब है। क्यों? बोले जो तू अब की बार मेरा भक्त हुआ है, वो इतना बड़ा आखिरी में भक्त बना के, पहले तो तू कसाई था, पूर्व जन्म में जो भी पति पत्नी रास्ते में मिले थे वो गाय और कसाई थे, और एक दिन वो कसाई गाय को मारने के लिए जा रहा था, तू रास्ते में मिल गया, तुझसे पूछा गया गाय किधर गई, तूने दोनों हाथों से बता दिया किधर गई, तो ये समझ ले वो गाय और कसाई जन्म में पति पत्नी हुए, उस जन्म में कसाई ने गाय को मारा, इस जन्म में गाय ने कसाई को मार दिया, और तूने दोनों हाथों से बताया था किधर गई तो तेरे दोनों हाथ कटवा दिए। वो तो भला मेरा तू परम भक्त है इसलिए तूने दोनों हाथ वापस कर दिए गए। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे भगवान के परम भक्त हुए हैं। यहां भोले बाबा जिद कर गए, तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे अरे एक दिन भो ले भंडारी पवन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
पार्वती भी मना के आ रही, नामा नेत्र पुजारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। श्री राधे चाहे ब्रज में भारी नामा ने